हाय, दिस इज अभय मोड़सिया, सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमरेली। आज हम देखेंगे कि एलआईसी में जो माइक्रो पॉलिसी के अलावा दूसरा प्लान हमें अलॉट किया है डिजिटल सेवा पोर्टल पे, वो कैसे एक्टिवेट करें। तो हम अब सबसे पहले सर्विसेज में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्विसेज में क्लिक करने के बाद अलग अलग जो डिपार्टमेंट हमारे है सेक्शन, उसमें इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, फास्टैग। तो हम इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे क्योंकि एलआईसी जो इंश्योरेंस एजेंसी है तो इंश्योरेंस के सेक्शन में आएगी। एलआईसी का जो माइक्रो वाला सेक्शन था वो हमारे ऑलरेडी चालू था, माइक्रो बचत और भाग्य लक्ष्मी ऐसा। तो अभी वो जो बीमा ज्योति प्लान है वो कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं जो रिन्यूअल है उसका है तीन विकल्प। नीचे लाइफ इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस में अलग अलग कंपनीज जो टाइप है सीएससी के साथ वो लिस्टेड है यहाँ पे। तो अब देखो, ये एलआईसी माइक्रो इंश्योरेंस ए वाला है और दूसरा वाला एलआईसी बीमा ज्योति। यहाँ पे एक बात आपको खास एक मार्क करनी पड़ेगी कि एलआईसी माइक्रो इंश्योरेंस वो उसके लास्ट में पीओएस लिखा लिखा है, पॉइंट ऑफ सेल। तो उसका मतलब आप आईएनएस एग्जाम देके पीओएस की तो आप वो काम कर सकते हैं, छोटी सी एग्जाम। लेकिन एलआईसी बीमा ज्योति एक्टिवेट करने के लिए आपको आरएपी, रूरल ऑथोराइज पर्सन, जो आईआरडीए की है, वो आपको यही सीएससी से ही देनी पड़ेगी। तो वो आप जो वो बड़ी वाली पॉलिसी है उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अभी यहाँ पे आपको ये क्लिक करने पे डिजिटल सेवा का एलआईसी डेडिकेटेड पोर्टल यहाँ पे लॉन्च होगा, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये होम है, अबाउट सीएससी, अबाउट एलआईसी और इंश्योरेंस प्लान। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान में हम लास्ट में ये जो है एलआईसी बीमा ज्योति क्लिक करेंगे। ऊपर वाले तीनों है वो माइक्रो प्लान है, तो वो तो पोस्ट एग्जाम से भी हो सकता है, इसमें एक्स्ट्रा ऑफलाइन केवाईसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो एलआईसी बीमा ज्योति है उसमें अलग से फर्स्ट टाइम एजेंट केवाईसी होगा, ऑफलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करके आपको उसमें अपलोड करना है। तो हम वो देखते हैं कैसे होता है। एलआईसी बीमा ज्योति पर क्लिक करेंगे। अभी ये पोर्टल में लॉग आउट हो गया होगा बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट कर देते हैं लास्ट में जो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये फिर से हमारा एलआईसी में सीएससी डिजिटल सेवा कनेक्ट हो जाएगा। देखो, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीएससी आईडी लिखा हुआ आ गया है, तभी आप पोर्टल में लॉग इन है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्लान में क्लिक करेंगे और बीमा ज्योति सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये वाला सेक्शन जो आया है वो वन टाइम प्रोसेस है, यानी कि आपका खुद का केवाईसी अपलोड करना है। यहाँ पे आप ये जो ब्लिंकिंग वाली लाइन है वो देख सकते हैं, अपलोड ई केवाईसी डिटेल्स ऑफ एजेंट इंटरमीडिएटरी। उसका मतलब है कि आप खुद का ई केवाईसी अपलोड करें। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी वगैरह सिलेक्ट करेंगे। हम उसकी वो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा, ये जो वीएलई है खुद का, उसके बाद वीएलई का मोबाइल, पासपोर्ट। तो पासपोर्ट बोले तो क्या है, पासपोर्ट मतलब कि आप जब ऑफलाइन आधार डाउनलोड करते हैं तभी वहां पे एक पासपोर्ट सिक्योर करने के लिए आप खुद का डालते हैं, चार अंकों का, वही यहाँ पे शेयर करना है। और उसके बाद वो जो ऑफलाइन जिप फाइल डाउनलोड एक्सएमएल की है वही वो नीचे सिलेक्ट करनी है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे वो डाउनलोड करता है शॉर्ट में। तो वहां पे ई आधार आप लिखेंगे, ई आधार मीन्स के आधार के पोर्टल के पे जाने के लिए कोई भी वर्ड आधार वाला लिखेंगे तो उसका एक डेडिकेटेड पोर्टल आपको दिखाई देगा। ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधार का पोर्टल है। यहां पे माय आधार सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको आधार की अलग अलग सर्विसेज दिखाई देगी। यहाँ पे माय आधार पर जाके हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी बेटा, ये वाला सेक्शन जो है इस पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक या ऑफलाइन केवाईसी का एक जो फाइल आएगी जिप फाइल, उसमें पासपोर्ट आपको लास्ट में डालना पड़ेगा कि जैसे कि आप सेट करते हैं 1289 1080 ऐसा कोई पास की,
तो ओ की यहां पे जो सेट करोगे वही वाली यहां पे आपको डालनी होगी ए वाले पोर्ट में। तो यहां पे हम एजेंट की डिटेल्स डालते हैं जो एजेंट खुद अपनी डालेगा। यहां पे हम एजेंट की डिटेल्स डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासकोड जो कि आधार ऑफलाइन डाउनलोड करते समय हमने जो शेयर किया है वही कोड यहाँ पे डालना है। फिर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपने आपका कंप्यूटर का एक्सप्लोरर का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें जो आपने फाइल डाउनलोड की है उसको क्लिक करके सिलेक्ट करनी है और फिर लास्ट में यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब LIC की ओर से आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको आपके जो यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर डाला है उसी नंबर पे प्राप्त होगा। तो उसका OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर नीचे कंटिन्यू क्लिक करेंगे, वो LIC की तरफ से आपको OTP आएगा, आधार बेस्ड OTP नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आप एजेंट की पूरी डिटेल्स जो VLE है उसकी डिटेल्स वो जो आपने ऑफलाइन आधार का डेटा अपलोड किया है उसमें से एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर डेटा ओके करके कंटिन्यू करेंगे। अब ये वाला पोर्टल आपके लिए रेडी हो चुका है, तो हम यहाँ से प्रीमियम कैलकुलेशन और एंड लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो ये क्लिक करने पे आपको अलग अलग ऑप्शंस इसका आएगा और कैसे समरी यहाँ पे एडमिन जॉब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ, ये पोर्टल आपके लिए लाइव हो चुका है। तो प्रीमियम कैलकुलेटर यहाँ पे डिटेल्स, ये वाला प्लान है 860 जो कि LIC बीमा ज्योति हम बोलते हैं उसको। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं उसकी और यहाँ पे प्रीमियम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे मनी बैक है और पेंशन है। तो आप ये सब ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लिक करके डिटेल्स देख सकेंगे और यहाँ से प्रीमियम पर क्लिक करने पर आपको प्रीमियम कैलकुलेशन वगैरह होगा। यहाँ पे आप पॉपअप में सब अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे, तो आप पॉपअप ब्लॉकर जब नोटिफिकेशन आया तो उसको अलाउ कर देते हैं। ओके, तो अब पॉलिसी के लिए अलग से हम वीडियो देखेंगे कैसे पॉलिसी उसको हम जनरेट करेंगे लीड और उसके बाद कैसे उसको कंफर्म करेंगे, ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।